श्रमिक उत्कर्ष यूनियन द्वारा ऑटो टैक्सी चालक को न्याय का बिगुल बजाया। न्याय के लिए सभी एक को जुटता होना जरूरी है। श्रमिक उत्कर्ष सभा रिक्शा टैक्सी संगठन भाजपा संलग्न ऑटो रिक्शा टैक्सी समस्या हेतु जाहिर सभा का आयोजन कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के सामने पास किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कामगार के विख्यात नेता विजय कांबले एवं सांसद गोपाल सेट्टी के साथ मौजूद रहकर अपने अपने विचार व्यक्त किए और उनकी समस्याओं का निदान करने के कहा। कार्यक्रम के आयोजक श्री दयाल मिश्रा सेक्रेटरी व कार्यक्रम अध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम के द्वारा श्री दयाल मिश्रा ने मुंबई सहित बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा चालक व टैक्सी चालक की समस्या को हल करने और उनकी न्याय दिलाने हेतु सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर यूनियन की मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ में बताया कि कैसे नेता कांबले ने बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान चुटकी होने हल किया है। ऐसे ही हम सब के साथ कांबले जी के नेतृत्व से समस्या का हल का निदान करते रहेंगे और आने वाले समय में प्रशासन व अधिकारियों से मिलकर उपाय किया जाएगा। क्या कुछ कहा इन नेताओं ने, आइए सुनते हैं। मिश्रा जी बोलिए, आज जो सभा का आयोजन किया गया उसमें समस्याएं तमाम रखी गई है, निर्माण के लिए किस तरह का किया जाए? समस्याएं काफी है, रिक्शा मतलब अंतहीन समस्या जी को लेकर हम लोग, हमारे पास लोग आए यहाँ पे, इतनी यूनियन आई। अभी आपने देखा आपकी उपस्थिति में कई लोगों ने, गोपाल शेट्टी साहब थे और हमारे
चाचा मार्गदर्शक हमारे ब्रह्मदेव तिवारी जी और विजय कांबले जी, शिवज्ञान मिश्रा जी वगैरह, गणेश कक्कर जी वगैरह सामने सारे लोग असंतुष्ट लोग, सारे रिक्शे वाले थे जो लोग कह रहे थे ओला उबेर ओला उबेर ओला उबेर उनका ऐसा। आज ओला उबेर पाके कितना साल हो गया मेरे ख्याल से, कुछ ना कुछ 8-10 साल के आसपास होगा। कार्डरोस का यूनियन इतना पुराना है, ओला उबेर आया कैसे? वो यूनियन जो अपने आप को सबका जननी कहता यूनियन का, इसके अंदर टैक्सी के अंदर इतना बड़ा ग्रांड रोड बना लिया, पेट्रोल पंप बना लिया, सब बना लिया, तुमने सब अपने लिए बनाया, रिक्शा टैक्सी का समस्या का क्या? कुछ नहीं हुआ आज तक उनका समाधान, तो समाधान को अभी हम लोगों ने हाथ में लिया है। इस विषय को लेकर मैं शिवदयाल जी और भी अन्य सदस्य चाचा जी का सलाह लेकर हम लोग सीनियर से मिले, सीनियर को लेटर दिया, वो लेटर हमारे बैनर पे लगा भी हुआ है जो हमने ओला उबेर का समस्या डाला उसको आप देख सकते हैं। तब से हमने प्रयास किया कि ओला उबेर यहाँ पे ना खड़ा रहे, तो पहले दिन रात एक लोग खड़े रहते थे दादागिरी के साथ, तो उसको हमने हटवाया, जो उन्होंने कहा है कि 200 मीटर दूर, हमने उसको दूर करवाया। हमारा यही कहना है कि जो भी माननीय न्यायालय का जो भी दिशा निर्देश है ओला उबेर के लिए उसके ही उसमें चले, दादागिरी ना करें। हमारे रिक्शा टैक्सी कहीं दादागिरी करना नहीं चाहते। आज यही काली पीली रिक्शा टैक्सी मुंबई की एक लाइफलाइन है, मुंबई की पहचान है, जिससे लोग जानते हैं। अब तुम चाहोगे उसको समाप्त कर देना, दादागिरी से कोई कह रहा इधर लाके ओला खड़ा करूंगा वहां खड़ा करूंगा, तो मैं तुम खड़ा करो लेकिन न्यायालय के उसमें करो। आरटीओ की तमाम समस्या है, लाइसेंस पकड़ लेना बीच में, दादागिरी कर देना, कोई भी पैसेंजर जबरदस्ती कुछ भी क्लेम कर दे, कंप्लेन कर दे, पुलिस हमारे रिक्शा टैक्सी को एकदम हीन दृष्टिभाव से देखती है, उसकी छवि बदलना। अभी हमारी हर पुलिस चौकी के अंदर बैठक, आरटीओ के अंदर बैठक हम लेने वाले हैं सारे रिक्शा टैक्सी, इनकी समाधान, इनकी जो भी समस्या है वहां से समाधान निकलवाना कि भाई आप छवि बदलिए, इनको कुछ एक अच्छा उपनाम दीजिए, ए ड्राइवर ए रिक्शा चल नहीं तो दूंगा, ले जाने के बाद कोई वो गेट से भाग जा रहा है, भाड़े भी नहीं देता उनको, उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है, पुलिस का पास जाएंगे तो पुलिस वाले का मैं क्या करूँ जा, कोई सुनने वाला नहीं है, और बेचारा अकेला आदमी दिन रात आपकी सेवा करता है। ऐसे लोगों के अंदर इन समस्या को हम लोग लेकर के चलना है। अभी आरटीओ दहिसर आरटीओ के अंदर इतनी मनमानी हो गई कि सवेरे 4 बजे से लोग खड़े रहते हैं टोकन के लिए, वो भी नया रिक्शा, जो नया रिक्शा कंपनी से आ रहा है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका भी तुम ट्रायल ले रहे हो, और अगर उसके अंदर कोई तकलीफ तुम कंपनी पे कंप्लेंट करो ना, हमारे रिक्शा वाले को क्यों तुम परेशान कर रहे हो? बेचारे तुम्हारे पास ट्रैक नहीं है, तुम यहाँ से टोकन से एरोली जाते हैं, अपना दिन भर का गाड़ी भाड़ा खर्चा करके वहाँ एरोली जा रहे हैं, और वहाँ से तुम बोलते हो फेल क्यों, इंडिकेटर नहीं चल रहा था, बाएं दाएं का इंडिकेटर नहीं चल रहा, हॉर्न नहीं चल रहा, जो कंपनी का मिस्टेक है यार, तुम सब्जेक्ट टू कम करके तो डालो यहाँ पे कि सब्जेक्ट टू करके इंडिकेटर ठीक करो, हो जाएगा तुम्हारा, और तुम उसके ऊपर तुम अपना मॉनिटरिंग रखो उस कंपनी के ऊपर, तुम उसको ब्लैकलिस्टेड करो, तुम उससे पैसा खा रहे हो, उसको तुम दिया हुआ है दुनिया भर का, तुम्हें एक वर्चस्व दे दिया एक फलाना कंपनी की, उसी की रिक्शा चलेगी, उसी की टैक्सी चलेगी, दूसरी की नहीं चलेगी, उसको हुए मत लिया भाई, वही पूछना भाई। चलो हाँ चलो रोल है भाई। शिवदयाल मिश्रा जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि इतने बड़े यूनियन का आपको एक संगठन का जिम्मेदारी दी गई है, काफी लोग भी उम्मीद थे, किस तरह की समस्याएं हैं उसका निवारण का क्या आज जो सभा किया गया क्या उपचार रहेगा? इसका उद्देश्य और इसका उपचार ये था कि देखिए हमारे रिक्शा टैक्सी वाले भाई लोग मतलब उनका मति भ्रमित होके अनेकों यूनियन के लोग नेताओं के पास जा रहे हैं, तो उनको न्याय मिले जी। बाकी सारी यूनियन के पास जा जाके और न्याय ढूंढ रहे कि कोई भी हमें न्याय दे देवे इस हिसाब से, तो इसके पहले कि आज देखा जाएगा तो बोरीवली स्टेशन पे कम से कम 2-3 यूनियन हो गई, तो कोई न्याय देने का काम नहीं कर पाया आने वाले। इसके गए साल पहले हम लोगों ने दूसरे यूनियन को लेके आए थे कामगार नेता अभिजीत राणे जी को, मैं खुद जाके गुड्डू मिश्रा और यहाँ के लोगों ने अपनी समस्या ओला उबेर के बारे में ही बताया था, वो देखते हुए हम लोग उनको लेके आए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने हल नहीं किया, खाली मेंबर बनाए, मेंबर बनने के बावजूद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यहाँ तक कि इसके समस्या पे लड़ाई करने के लिए हमारे गणेश शंकर जी, गोपाल शेट्टी साहब, हम भी कंधा दे के खड़ा हुए, फिर बाद में ओला उबेर का यहाँ पे जो केबिन है वो रुकाया गया, क्योंकि देखिए ओला उबेर का केबिन यहाँ पे आ जाएगा, स्टैंड आ जाएगा तो डायरेक्ट लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो काली पीली टैक्सी और रिक्शा को लोग भूल जाएंगे। इस हिसाब से हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये हमारे भाई लोग विरोध उनका नहीं कर रहे हैं कि आप कंप्लीट उनको बंद करना है, किसी के पेट पे लात नहीं मारना है, खाली यही करना है कि आपको जो जीआर पास हुआ है, जो नियम कायदे के हिसाब में आप आते हो, आप अपना नियम कायदे के पालन करो, आपका जो जहाँ से पिकअप है, जहाँ पे इसके ऊपर आता है, आप वहाँ से पिकअप अपना लें। अरे इनकी वही मांग है, वही मांग हमारी भी है जी।
और उसी प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं और इनको न्याय देने के लिए, न्याय देने के हित में हम काम कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल कोई इनसे राजनीति करना है, ना कि उससे कोई बेनिफिट लेना है, ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मुझे इनको लॉलीपॉप देके इनको अपनी सभा में बुलाना है, अपनी भीड़ का हिस्सा बनाना है। ये बेचारे गरीब लोग रिक्शा टैक्सी चला के अपना परिवार का बसर करते हैं। मैं साहब आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये क्वार्टर्स ये अपना ओला उबेर का जब ये नहीं हुआ था, उस समय ये लोग अपने घर से निकलते, इनके बीवी बच्चे जब इनको सुबह में कहते थे पापा आला नंतर माला हे तो पेड़े घेऊन या किंवा मला हे बर्फी घेऊन या किंवा असं काहीतरी जेव्हा मुलं त्यांच्या विचारत होते तेव्हा हे घरी घेऊन जायचे। आता सकाळी सुबह चार बजे लोग निकलते हैं तो शाम के टाइम में घर पे जाते हो तो कितने रुपए का इनके पास धंधा होता है, कितना रुपया इनके जेब में आता है, वो शायद वही बताएंगे आपको। ये प्रेरणा, ये पीड़ा और ये वेदना को देखते हुए श्रमिक उत्कर्ष सभा विजय कामले साहब के नेतृत्व में हम काम करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिस कामगार नेता है और उनका आज महाराष्ट्र में बड़ी छवि है उनकी, और कामगारों के न्याय देने का काम वो अक्सर किया करते हैं। हमारे साथ में हमारे चाचा आदरणीय ब्रह्मदेव तिवारी जी हैं, इनके सन्निधि में मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ आज इनका आशीर्वाद है, हमारे साथ में हरदम सपोर्ट रहता है, गोपाल सेट्टी साहब का रहता है और श्रमिक उत्कर्ष सभा संलग्न भारतीय जनता पार्टी का नाम दे के हम लोग इस संगठन को खड़ा किया। सांसद महोदय भी आए थे वहाँ पे रात को 4 बजे से, हाँ। 4 बजे से लोग ज्येष्ठ नागरिक वगैरह सब लाइन में खड़े रह जाते हैं और उनका ना कुछ टॉयलेट का व्यवस्था होती है ना कुछ, अधिकारी आते हैं सवेरे 9 बजे के बाद आ जाते हैं, तब तक तो टोकन भी बढ़ गया होता है कि मतलब वो आपस में ही बांटते थे, लेकिन वो उनको ना टॉयलेट की व्यवस्था वहाँ पे ना नाश्ते की व्यवस्था कुछ इसका नहीं, खाली 40 टोकन देंगे वो। अच्छा, हम लोग बोलते हैं उनको कि आप उनका जो ऑन रिकॉर्ड ले लो, फिर उनको अगले इसमें तारीख दे दो, लेकिन उनके बोलते हमारे पास मैन पावर नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, वहाँ पे लाइसेंस वगैरह एकदम कचरे के जैसा बना हुआ है, पूरा मैं जाके वहाँ पे वीडियो शूटिंग करके लेके आया, पूरा ये अधिकारी खुद लेट आ जाएंगे, 2 बजे 3 बजे रवि अकबर जी आ जाएंगे वहाँ पे, बाद में उनका काम करेंगे। इंसानियत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे आरटीओ में दिखाई नहीं देती। अगर यही अभी कंप्यूटर का जमाना है, अगर वो लोग अपना नंबर लेके रखे भाई इतना ये फलाना नंबर के आगे वाला ये तारीख को देंगे या ये ट्रैक का या ये कुछ तो सुविधा करने की उनकी मानसिकता ही नहीं है, खाली उनको मालूम है कि भाई लोगों को पैसा दे दिया जाए। आज 2-2 महीने से 3-3 महीने से घर में गाड़ी खड़ी करके लोग हफ्ता भर रहे हैं, ठीक तो इससे बेरोजगारी तो बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, उसमें मतलब नहीं ना कुछ इसका। शिवदयाल जी काफ़ी दिनों से उनकी इच्छा है भाई, जो अपने रिक्शा वाले हैं टैक्सी वाले हैं बेचारे छोटे लोग हैं और दिन भर में मेहनत करते हैं तो कमाई हो पाती है, तो उसके लिए बहुत प्रयासरत है कि भाई किसी यूनियन को लाया जाए, उनकी समस्या हल की जाए। पहले अभी गए थे लेकिन उस समस्या उसमें भी मैं था, समस्या नहीं हल हुई। अभी कामले जी को लाए हैं और साहब के यहाँ भी 2-3 बार मीटिंग हुई, साहब इनको बोले कि भाई आप उनका जो समस्या है उसको लिए आगे लेके बढ़ाओ, बाकी आरटीओ में जाना है, बाकी पुलिस स्टेशन में जाना है, जहाँ भी रहेगा हम लोग रहेंगे, जो भी छोटी मोटी समस्या रहेगी हल करेंगे, और जो बड़ी समस्या है उसमें तो समय लगेगा लेकिन उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारे खासदारी का भी प्रयास रहेगा और हम लोग भी साथ में मिलकर करेंगे। थैंक यू। नेता काम करने वाले मजदूर आंदोलन में बहुत सारे लोग हैं और एक प्रथा हुई है कि बड़ी बड़ी बातें करके लोगों का दिल बहलाने का, कुछ चीज लेने का और अपना स्वार्थ निकाल लेने का इस प्रकार का काम करने की आजकल पद्धति है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो ये लोग अभी कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए थे, कोई मनसे के साथ था, कोई शिवसेना के साथ था, कोई राष्ट्रवादी के साथ था, तो ऐसे लोग हमारे पास क्यों आना चाहते हैं? इसका मतलब है कि उन लोगों ने झूठा वादा किया, ना काम करने की उनमें क्षमता है या विषय क्या वो जानकारी लेने की उनमें क्षमता नहीं है, इसमें बड़ा कोई विषय नहीं। ये झगड़ा रास्ते पे उतर में होने वाला नहीं, कानून क्या कहता है, मिनिस्टर्स क्या कहते हैं, टैक्सियां बढ़ने लगी, ओला उबेर आ गए, ये परिवर्तन जो है उसके अंदर क्या जड़ क्या हल निकाल सकते हैं वो सारी चर्चा प्रशासन के पास शासन के पास होगी, तो हम उस प्रकार से काम करने का कोशिश करेंगे। और अभी मैं मेरे भाषण में बोलना भूल गया कि एक दिन में समस्या उनके हल होने वाले नहीं,
इसके लिए उनको हम हमारा ऑफिस शुरू करेंगे बोरेली के अंदर, कि हमारे कई लोग देखेंगे ऑफिस में, उनकी समस्या लिखेंगे और हर 15 दिन महीने में हम अगर मिनिस्टर को जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हम कितना भी चिल्लाएंगे यहाँ पर तो सारी बातें उनकी समस्या सब जुड़ी हुई है सरकार के साथ जी। अभी ओला उबेर उन्होंने लाया, ओला उबेर को प्राधान्य दे रहे, साथ में काली बिल्ली को मार रहे, ये भी नीति अच्छी है क्या? लेकिन नीति खराब है, ये उनको कोई जानकारी देना चाहिए, उसके बारे में ठोस बात सरकार के साथ करनी चाहिए, वो सारी बातें हमको करनी है जी। और मेरे ख्याल से देर है लेकिन दुरुस्त है, बड़े साल के बाद कोई अच्छा काम करने का उन्होंने नक्की किया है, कि हमारा जो है एक धर्म है कि भाई जो लोग हमारे पास पिछड़े आते हैं उनको न्याय देना, उनको नजदीक लेना, और उनको जो कभी मिला नहीं वो मिला के देने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, और इस लाइन के अंदर टैक्सी हो रिक्शा हो, इन लोगों के लिए काम करने का हमने प्लानिंग अच्छी तरह से किया है, वो प्लानिंग से काम करेंगे। खाली इन लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि बाब आप एक इकट्ठा बनाते, एक संगठन बनाते, उस संगठन को कायम बना के रखते। देखिए यूनियन का तात्पर्य है कि संयोजन संगठना मजबूत होना चाहिए। सीदयाल का काफी पुराना अनुभव भी रहा है, पिछले यूनियन से जुड़ के वो आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सीदयाल जी के बारे में जो अभी इस तरह से हो रहा है? संगठन देखिए जो बनता है कब, एक आदमी दो आदमी तीन आदमी चार आदमी एक एक आदमी जुड़ता है तो उसको संगठन बनता है। वो संगठन बड़ा जैसा होते जाएगा उनका समस्या का हल अच्छी तरह से हो जाएगा जी। क्योंकि संगठन बढ़ाने में हम कामयाब नहीं हो पाए जी, क्योंकि हम झूठे लोगों को वादे करते हैं, तो बेचारे गुमराह हुए सारे जी। हम इधर जावे उधर जाए किधर जाए उनको समझ में नहीं आता है जी। लेकिन अभी के आज के तारीख के ऊपर हम कहते हम झूठा बात नहीं कहते और झूठा सुनते नहीं, ये हमारा तत्व है, उस मुताबिक लोगों को हम अच्छे रास्ते पे लेके जाना चाहते, बड़े थोड़ा देर लगेगा, लेकिन जैसे बताए कि कानून हम हमारे हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि कानून हम जानते हैं अच्छी तरह से कानून क्या है, तो हाथ में लेने से तकलीफ हो जाएगी, और न इनको हाथ में लेके देंगे न हम हाथ में लेंगे, इस प्रकार का नेतृत्व करके एक नई दिशा देने का काम हम करेंगे। कमला साहब इसी मंच पे अभिजीत राणे भी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे और बोले थे मैं जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा, लेकिन कई वर्ष हो गए आज भी स्थिति वैसी है। अभिजीत राणे अपना बच्चा है अभी भी आके कुछ ट्रेनिंग मेरे पास से लेता है जी। लेकिन हमने बहुत अच्छा सिखाया, सारे ने गलत ही लिया तो मैं उसके लिए क्या कर सकता। देखो शिक्षा देने वाला शिक्षक हो या कोई मित्र हो या कोई गुरु हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें दहेज से उनको अच्छा काम सिखाया, लेकिन उनका इरादा ही अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, तो उनके लिए हम क्या करें।